नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। नेहरू चौक के पास स्थित लाल बिल्डिंग भवन की सालों बाद हुई दुकानों की नीलामी। जी हां, करीब 10 साल पहले कृषि उपज मंडी समिति द्वारा नेहरू चौक के पास 3 मंजिल भवन बनाया गया था, जिसमें करीब 8 दुकानें, 2 हॉल मंडी समिति द्वारा बनाए गए थे, लेकिन अभी तक भवन की दुकानों की नीलामी नहीं हुई थी। सालों बाद सोमवार को कृषि मंडी कार्यालय में लाल बिल्डिंग की 8 दुकानों की नीलामी हुई, जिनमें से 6, 7, 8 नंबर 3 दुकानों की और 2 हॉल की नीलामी नहीं हुई। मंडी समिति सचिव अरविंद ताम्रकार ने बताया कि 5 दुकानों से 1,20,00,000 की राशि राजस्व के रूप में आई है। 6, 7, 8 नंबर दुकान और 2 हॉल की नीलामी के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। नई तारीख पर 3 दुकानें और 2 हॉल की नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। इंडिया खबर लाइव के लिए विदिशा से एलन चौबे की एक रिपोर्ट। दुकानों की नीलामी हुई है, इसमें 1 से लेकर 5 नंबर की दुकानें आवंटित हो गई हैं और 6, 7, 8 6, 7 में किसी ने बोली नहीं लगाई, 8 नंबर आरक्षित थे जिसमें किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इसमें कुल राशि 1,02,00,000 रुपए की नीलामी से आय हुई है मंडी में।